तो आज हम बात करेंगे आम के पौधे के बारे में। जब भी आप आम के पौधे अचानक आप देखेंगे तो डेड हो जाता है या अचानक मर जाता है, तो इसका मैं आपको कारण बतलाऊंगा कि आम का पौधा में अचानक ग्रोथ होने के बाद भी अचानक क्यों मर जाता है। जब भी आप देखेंगे नया लीव निकलता है मगर कुछ दिन के बाद वो फिर से प्लांट सूख के मर जाता है, या कभी कभी आप नर्सरी से लेके आते हैं और कुछ दिन तक 2 से 3 महीने तक आपका प्लांट अच्छा चलता है, इसके बाद धीमे धीमे करके वो डाईबैक के भी कारण प्लांट मरना चालू हो जाता है। तो आपको पूरा वीडियो देखने के लिए आपको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही आपका गार्डनिंग से जो भी रिलेटेड वीडियो आपको देता रहूँगा। तो सबसे पहला सबसे बेस्ट कारण रहता है, जब भी आप नर्सरी से या ऑनलाइन प्लांट मंगाते हैं ना, तो जब आते ही रिपोर्ट मत कीजिए। बहुत से ऐसे देखा हूँ जो आमतौर पे ऑनलाइन भी मंगाते हैं या कोई भी नर्सरी से जब भी कोई प्लांट लेके आते हैं तो प्लांट वो देखते हो तो मेरा हरा भरा है और काफ़ी स्वस्थ है, और उसको जैसे ही आप लगाते, जैसे ही आम को पौधा को आप लेके आते हैं नर्सरी से वैसे ही आप लगाते हैं, तो अचानक तो आप तो उसको प्लांट को रिपोर्ट कर देते हैं मगर कुछ दिन के प्लांट बाद वो देखेंगे तो धीमे धीमे जो रहता है उसका ग्रोथ नहीं होता है और धीमे धीमे करके वो प्लांट रहता है अचानक से डाईबैक या अचानक से वो प्लांट आपका सूख जाता है और मर जाता है। तो इसका कारण क्या है वो भी मैं बताऊंगा। या जब भी आप ऑनलाइन प्लांट में लेके आते हैं, ऑनलाइन प्लांट मंगवाते हैं, तो उसका भी यही काम करते हैं, 1 से 2 दिन में उस प्लांट को रिपोर्ट कर देते हैं, कुछ दिन के बाद वो प्लांट सर्वाइव करना मुश्किल कर देता है, और जिसके कारण देखा जाए तो वो प्लांट आपका धीमे धीमे ये भी प्लांट आपका मर जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ऑनलाइन प्लांट का। देखिए जब भी आप ऑनलाइन प्लांट लेके आते हैं कोई भी स्टेट से लेके आते हैं, जैसे कि आप देखेंगे जब भी ऑनलाइन प्लांट लेके आते हैं ना, मंगवाते हैं किसी भी नर्सरी से, तो देखिए हर स्टेट का अलग अलग क्लाइमेट होता है, और जब आप अलग अलग क्लाइमेट से प्लांट लेके आते हैं तो आप जब भी आप देखेंगे तो उन कभी भी आप कॉन्टेक्ट नंबर या नर्सरी से बात करेंगे तो वो आपको कभी भी नर्सरी वाला आपको हेल्दी प्लांट ही भेजेगा, या आप उनको बोलते हैं मुझे अच्छा हरा भरा हेल्दी प्लांट चाहिए। जब वो प्लांट आपका हरा भरा हेल्दी प्लांट आपका घर तक पहुंचने में कम से कम वो 8 से 10 दिन का समय ले लेता है, मिनिमम आपका 5 दिन भी ले लेगा। अगर आपका नज़दीकी में है तो मिनिमम आपका 5 दिन कोई कुरियर वाला लगा देता है, मगर 5 से 6 से 7 दिन तक मिनिमम 10 दिन तक आपका प्लांट रहता है, आपका घर तक डिलीवर हो जाता है। अब वो 10 दिन के बाद तक आपका डिलीवर तो होता है, मगर 10 दिन तक आप डिलीवर होने के बाद आप देखेंगे तो उसका जो प्लांट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपको देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्लांट का जो डैमेज होने का जो मेन कारण यही रहता है कि जो प्लांट रहता है उसका जो क्लाइमेट रहता है अलग अलग स्टेज का अलग रहता है। तो आप जब भी आप वहाँ से प्लांट लेके आते हैं और वो प्लांट आप जैसे ही आपका घर तक पहुँचता है तो आप उसको क्या करते हैं, सावरिंग करते हैं, और सावरिंग कर देने के बाद क्या करते हैं अचानक से वो प्लांट को आप रिपोर्ट कर देते हैं। कभी भी ऑनलाइन प्लांट आपको आए 5 से 6 से 7 दिन के बाद तो उसको डायरेक्ट कभी भी रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। आपका प्लांट कितना भी हरा भरा क्यों ना है या कितना भी हेल्दी क्यों ना रहे, वो प्लांट को आपको कुछ दिन तक आपको सेमी शेड एरिया में या जहां पे एकदम मतलब आपका धूप कम नहीं निकलता हो, सिर्फ ब्राइट हो, उस जगह पर आपको रख देना है, और रख देने के बाद आपको सावरिंग और फंगीसाइड इंसेक्टीसाइड का आपका स्प्रे करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि प्लांट जो होता है आपका भले ही नर्सरी वाला आपका फंगीसाइड स्प्रे का करके भेजा होगा, फिर भी वो प्लांट रहता है ट्रेन में न जाने कहां कहां से गुजरता है, जिसके कारण क्या रहता है वो फंगस का अटैक उस पर बहुत ज़्यादा आ जाता है। उस समय प्लांट का रहता है सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि वो प्लांट एक तो खुद ही थका हुआ रहता है तो उसको बीमारी से लड़ने की क्षमता उसमें काफ़ी कम हो गया रहता है, मतलब नाक के बराबर उसमें रहता है। तो उस समय जब ये प्लांट आता है तो एकदम थका हुआ महसूस रहता है तो उसको सबसे पहले सावरिंग कीजिए या फंगीसाइड इंसेक्टीसाइड का आपको इस पर स्प्रे करना है। कम से कम जब आपका प्लांट आता है उस दिन भी आपका इसमें स्प्रे कर दीजिए, स्प्रे करके आपको सेमी शेड में रख दीजिए या ठंडा जगह पर रख दीजिए जहाँ पे धूप नहीं निकलता है, फिर उसको 2 दिन के बाद उसको वापस एक बार स्प्रे करना पड़ेगा, आपको फंगीसाइड और इंसेक्टीसाइड दोनों का स्प्रे आपको करना पड़ेगा। फिर ये दोनों का स्प्रे करके आपको जड़ में भी आपका इसमें पानी देना है फंगीसाइड इंसेक्टीसाइड का रख देना है। मिनिमम आपका 5 से 8 दिन के बाद इसको आप जब आपका प्लांट देखे कि हल्का हल्का प्लांट में अच्छा महसूस हो रहा है तब वो प्लांट को आप चाहिए तो रिपोर्ट कीजिए, मगर मिनिमम आप 10 दिन से पहले आप अगर आप प्लांट का रिपोर्ट कर देते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता नहीं है कि प्लांट आपका मर जाता है, मगर आम के इस पर जो आम का जो पौधा होता है ना वो बहुत जल्दी मरता है। ऑनलाइन में तो ऑनलाइन में आप मान लीजिए अगर आप 10 पौधा मंगाएं तो आपका 5 पौधा मर जाता है, इसका यही कारण होता है। तो इसका जो मेन कारण यही रहता है जो आपका पूरा का पूरा फंगस का
अटैक इस पे आ जाता है, जिसके कारण क्या रहता है, पौधा जो रहता है वो लड़ने की, उसका रोग से उसका लड़ने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा घट गया रहता है इसके कारण। अब जो बहुत लोग रहता है जो आते ही 2 से 3 दिन में इसको रिपोर्ट कर देते हैं, तो इसका जो रिपोर्ट करने का जो मेन गलती यही करते हैं, आपका जो प्लांट एक तो पैकिंग होके आता है, दूसरी बात रहता है अगर आप पूरी तरह से उसको फंगीसाइड इंसेक्टीसाइड का यूज भी कर देते हैं, तीसरी बात वो कितना भी अच्छा पैकिंग रहता है, कभी कभी क्या रहता है उसका जो रूट रहता है ना इतना ज़्यादा वो कुरियर में पटकाया जाता है, मतलब यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ इसको फेंका जाता है, जिसके कारण इसका जो रूट रहता है ना वो कभी ना कभी डैमेज हो जाता है। आपको ऐसा पता नहीं चलेगा कि आपका रूट तो ऐसे लगेगा आपका हरा अच्छा है हेल्दी है, मगर वो अंदर से वो डैमेज हो चुका रहता है क्योंकि उसका मिट्टी इतना ज़्यादा इधर उधर जाता है। तो फिर उसको आप डायरेक्ट आप जाकर क्या करते हैं, रिपोर्ट कर देते हैं। जब आप वो प्लांट को आपको रिपोर्ट करते हैं, वाटरिंग करते हैं, आप फंगीसाइड भी उसमें डाल देते हैं, फिर भी वो प्लांट का क्या रहता है कि से उसमें फंगस का जो जर्म जो अटैक रहता है वो काफ़ी जल्दी तेज़ी से वो अटैक करता है। बाकी जो आम का जो प्लांट रहता है या बाकी जो भी रहता है उससे काफ़ी तेज़ी इस पर अटैक आ जाता है, और इसका ऑनलाइन में जब अटैक आता है तो इसका जो बचाना रहता है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण देखेंगे तो प्लांट आपका 1 से 2 या 3 महीना में कभी कभी वो प्लांट मर जाता है, कभी कभी तो आदमी को 6 महीना तक मतलब बिल्कुल भी प्लांट सर्वाइव कर नहीं पाता है, और 6 महीने के बाद भी ये प्लांट मर जाता है, क्योंकि वो एकदम आपको लगेगा हरा भरा है मगर ग्रोथ उसमें काफ़ी जल्दी रुक जाता है और 5 से 6 महीना बाद वो प्लांट मर जाता है, मगर आपका नर्सरी वाला कोई भी आपका अपना गलती नहीं मानेगा, वो सिर्फ और सिर्फ वो डैमेज ही प्लांट आपको जब हो गया तब आपको दूसरा रिप्लेसमेंट करता है, मगर अगर वही 5 से 6 दिन के बाद अगर आपका अचानक से पौधा मर जाता है तो आपका कोई भी नर्सरी वाला रिप्लेसमेंट नहीं करता है ऑनलाइन में, पर मिनिमम 10 दिन या 15 दिन का कोई भी ऑनलाइन नर्सरी वो गारंटी लेना चाहिए था, क्योंकि जो कभी कभी उन लोगों का भी पैकिंग के कारण क्या हो रहता है, उन लोग कभी कभी क्या करते हैं, क्या जो पैकिंग करते हैं ना तो कभी कभी उन लोग गलत पैकिंग कर देते हैं, जिसके कारण उसका जो रूट रहता है ना वो अंदर से टूट गया रहता है, या कभी कभी रूट काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है, जिसके कारण प्लांट सर्वाइव नहीं करता है, भले ही आपका प्लांट हरा भरा आपका घर तक तो पहुँच जाता है मगर कुछ दिन के बाद वो सूख के मर जाता है। तो ऑनलाइन नर्सरी वाले को भी मिनिमम 10 से 15 दिन का गारंटी लेना चाहिए कि अगर 10-15 दिन के अंदर में अगर आपका प्लांट मर जाता है या सूख जाता है तो आपका रिप्लेसमेंट कर दे, मगर कोई भी नर्सरी वाला आपका ये गारंटी नहीं लेता है, वो सिर्फ आपका घर तक पहुंचाने का ही गारंटी लेता है, तो ये गलत बात है। इसीलिए आप जब भी आप ट्राई कीजिए कि आपका लोकल नर्सरी में आपका अच्छा प्लांट मिल जाए, अगर लोकल नर्सरी में आपका अच्छा हेल्दी प्लांट मिल जाता है तो कोई बात नहीं है, मगर कोई कोई प्लांट ऐसा है जो आपका वो लोकल नर्सरी में नहीं मिलता है, वो आपको ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ता है। अब जो मेन खासियत रहता है, जब आप लोकल नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं और आते ही आप उसको रिपोर्ट कर देते हैं, तो ये भी आपको नहीं करना है, आप जब भी लेके आते हैं तो उसको एक जहाँ पे आप पेड़ पौधा रखे वहाँ पे आप इसको रख दीजिए, 2 से 3 दिन के बाद इसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, पर जब भी आप रिपोर्ट किए तो इसमें भी आप ऐसा कीजिए कि रूट आपका थोड़ा भी नहीं कटना चाहिए और नहीं डैमेज होना चाहिए जब आप रिपोर्ट करते, तो इसमें आपका प्लांट रहता है काफ़ी तेज़ी से सर्वाइव कर लेता है। मगर अगर इसमें जब आप लोकल नर्सरी से भी प्लांट लेके आते हैं अब अचानक ब्लेड से आप काट देते हैं तो उसका कभी कभी रूट अच्छी तरह से कट जाता है, जिसके कारण उसका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है और प्लांट जो रहता है वो मरने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लोकल नर्सरी से जब भी आप प्लांट लेके आए तो 2 से 3 दिन के बाद ही इसको रिपोर्ट कीजिए, जब तक क्या रहता है आप मिट्टी अच्छा तरह से बना के रख लीजिए। मिट्टी आपको आम का पौधा में अच्छा बनाना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मिट्टी कभी भी आपका कोई भी गार्डन का मिट्टी या कोई भी आप मान लीजिए कोई भी दूसरे पौधे का मिट्टी में आप आम का पौधे का रिपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी फंगस का समस्या रहता है कभी कभी, तो ये समस्या आपका ये आम का भी पौधे में आ जाता है, और आम का जो पौधा होता है उसमें काफ़ी तेज़ी से फंगस का अटैक आता है, जैसे कि आप मान सकते हैं जो फूल में सबसे फूलों का राजा गुलाब को माना जाता है, जो गुलाब होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है फंगस का, वैसे ही फलों का राजा आम को माना जाता है, मगर आम में भी यही कारण है कि इसमें भी अब जो जर्म होता है वो काफ़ी तेज़ी से इसमें भी फंगस पकड़ता है, तो आपको फंगस से बचाने के लिए आपको अच्छा मिट्टी आपको बनाना है, आप या तो गार्डन का जो भी मिट्टी लेते हैं या तो वो मिट्टी का मिनिमम आपका 8 से 10 दिन तक अच्छी तरह से धूप में सूखा हुआ होना चाहिए, एकदम ड्राई लेना चाहिए, कभी भी हरा या गीला मिट्टी आप यूज मत कीजिए, एकदम ड्राई सूखा मिट्टी यूज़ कीजिए, और वो भी 8-10 दिन कम से कम धूप में
5 दिन तक मिनिमम आपका धूप में अच्छी तरह से सूखा होना चाहिए। वो मिट्टी आप आम के पौधे में यूज करते हैं, साथ ही आप फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों का भी हल्का हल्का मिक्स करके इसमें डाल सकते हैं, जिसमें क्या होता है जो आम में जो रहता है ना, जो फंगस का जो जर्म है, जो फंगस लगने की समस्या रहता है वो काफ़ी कम हो जाता है और ना के बराबर लगता है। मगर अगर आपके पास मान लीजिए दूसरे पौधे का मर गया है और वही मिट्टी आप ले जाके फिर से आम के पौधा उसमें रिपोर्ट करते तो वो भी आपका आम का पौधा मर सकता है। तो सबसे पहले रहता है, आप कभी भी आम के पौधे के में मिट्टी बनाना है तो सबसे पहले मिट्टी का 5 से 8 दिन तक उसको अच्छी तरह से धूप में सुखा दीजिए और थोड़ा भी इसमें गीला मिट्टी का महसूस नहीं होना चाहिए, एकदम ड्राई मिट्टी रहेगा। इसके बाद आप इसको रिपोर्ट करेंगे तो आपका मिट्टी रहता है एकदम अच्छा रहता है और फंगस लगने की समस्या रहता है वो काफ़ी कम हो जाता है, ना के बराबर होता है। जो आम में जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम रहता है वो फंगस का ही आता है। फंगस का प्रॉब्लम आ गया आपके आम के पौधे में जड़ में तो इसको बचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और काफ़ी तेज़ी से आम का पौधा जो रहता है वो ख़त्म हो जाता है। आप कितना भी ट्रीटमेंट कर लीजिए मगर आपका पौधा को मरना ही मरना है। साथ ही साथ आप जब आम के पौधा आप रिपोर्ट कर देते हैं तो उसको टाइम टाइम पे 5 से 10 दिन में आपका नीम ऑयल का स्प्रे करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है, जिसमें इसमें फंगस या कोई भी कीट आना दूर रहे और ना ही इसमें लगे, ताकि ये आपका आम का पौधा रहेगा एकदम हरा भरा रहेगा और अच्छा हेल्दी रहेगा। तो अगर आप ये इस तरह से आप अगर यूज करते हैं, अगर आम के पौधे में अगर अच्छी तरह से बचाना चाहते हैं तो आम का पौधा आपका कभी मरेगा नहीं, आम का पौधा एकदम हरा भरा रहेगा, हमेशा अच्छा ग्रोथ पे रहेगा। तो हमेशा आपका नीम ऑयल का स्प्रे आपको करना पड़ेगा, हर 5 से 10 दिन में एक बार आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, ताकि इसमें कोई भी फंगस या कीट मोटक इससे दूर रहे और आने का कोशिश ना करे और जड़ में रहेगा हमेशा। अच्छी तरह से टाइम पे वाटरिंग कीजिए, ज़्यादा वाटरिंग भी आपका फंगस का अटैक पड़ जाता है। कभी भी गंदा पानी आम के पौधे में यूज ना कीजिए। अगर आप गंदा पानी जैसे सब्जी उब्जी का पानी होता है, बहुत लोगों क्या करते हैं आम के पौधे में डाल देते हैं, बोलते हैं खाद के माध्यम से आपका काम करेगा, मगर ये खाद के माध्यम से काम नहीं करता है, ये मिट्टी में फंगस लग जाता है और फंगस का समस्या हो जाता है, जिसके कारण देखेंगे तो आम का पौधा जो रहता है अचानक जाके आपका डेड कर जाता है। तो आम के पौधे में कभी भी आपका कोई भी सब्जी या किसी चीज़ का पानी का यूज ना कीजिए, नहीं तो आम के पौधे में काफ़ी तेज़ी से फंगस लगेगा और आम का पौधा अगर में एक बार आपका जड़ में फंगस लग गया तो इसको ट्रीटमेंट या इसको बचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, काफ़ी जल्दी 1 से 2 महीना के बाद आपका प्लांट होता है वो डेड हो जाता है। तो आपको आम के पौधा अच्छी तरह से आपको गमले में अच्छी तरह से सालों साल चलाना है तो आपको ट्रीटमेंट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं तो आपका आम के पौधा हमेशा हरा भरा है और अच्छा रहेगा। तो ऐसा ही अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही आपका गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।